हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 22-23। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदकूपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अध्यैवमे विशतो मानसराज हंसा प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। किरातहूणा नृपुलिण्डपुल्कषा आभीरशुम्भा यवनाखसादया येनेच पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृन्दावनम् रम्याकाचिदुपासना व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्राधरो न नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी।
पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। दूसरा स्कंध दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक है हृदय में भगवान। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को योगी जनों के प्राण त्यागने की क्रिया के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि प्राण त्यागने की क्या क्रिया होनी चाहिए। यहाँ पर सब लोग जीने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में एक व्यक्ति जब जन्म लेता है वो जीवन में क्या कुछ करेगा उसके विषय में उसे नहीं खबर। लेकिन इतना तो बात तय है कि एक दिन उसे मरना है, तो मरना सिखा रहे हैं कि कैसे मरना चाहिए, क्योंकि एक एक क्षण जो हमारे जीवन का बीत रहा है ना, तो हम समझते हैं कि हम जी रहे हैं, परंतु वास्तविकता तो ये है एक एक क्षण हम मृत्यु की ओर अधिक निकट आ रहे हैं। हमें तैयारी करनी है उस मृत्यु के समय के लिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो योगी जन होते हैं ना, वो जब अपने प्राणों को त्यागते हैं तो क्या करते हैं, अपने प्राणों को जो प्राण वायु है इसको ऊपर उठाते हैं, पहले नाभि तक लेके आते हैं, फिर वक्षस्थल तक लेके आते हैं, उसके तालू तक लेके आते हैं, और प्राणवायु को उसके बाद दोनों भवों के मध्य में लेकर आते हैं, और सातों द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापिस जाने का अपना लक्ष्य बनाते हैं कि हमें क्या करना है। और वो तभी संभव है जब समस्त भौतिक इच्छाएं, वास्तव में जब तक जीवन सफल नहीं होगा, जब तक के इस भौतिक जगत में किसी भी वस्तु या व्यक्ति के हृदय में आसक्ति या इच्छा रह जाएगी। ये इच्छा और आसक्ति ही तो है जो हमें बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसा रही है। इसलिए वैराग्य बहुत ज्यादा आवश्यक है। भौतिक वस्तु और व्यक्तियों से वैराग्य सिखाते हैं हमारे शास्त्र, और ये तभी संभव है जब हम भगवान के अंदर प्रेम उत्पन्न करेंगे। क्योंकि जब एक बार कृष्ण से प्रेम हो जाता है ना, तो वास्तविक आनंद आने लगता है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये एक बहुत ही सरल तरीका है कि कृष्ण के साथ प्रेम हो जाए तो फिर भौतिक सारी वस्तुएं तुच्छ लगती हैं। यही बात बताते हैं यमुनाचार्य। वे कहते हैं, यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविन्दे नव नव रस धाम यद्युतं ब्रन्तुमासीत्। कि भौतिक वस्तुओं का प्रेम जो है वो जैसे जैसे बढ़ता है, आगे हम निकलते हैं उस प्रेम में, वो प्रेम घटता जाता है, वो स्वाद कम होता जाता है। लेकिन भगवान के चरण कमलों पर जब एक बार हृदय आसक्त हो जाता है तो नव नव रस धामुन यद्युतम रंतुम आसित। जैसे जैसे हम और निकट जाते हैं, अधिक से अधिक भगवान की महिमा को श्रवण करते हैं, उसी प्रकार अधिक से अधिक टेस्ट आने लगता है। आज हम देखते हैं जो कम कथा सुनते हैं, जो कम नाम जप करते हैं, उनको कम स्वाद आता है, और जो अधिक 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 श्रवण करते हैं, अधिक 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 नाम जप करते हैं, उनको तो इतना आनंद आता है, उनको कोई भी भौतिक वस्तु का ध्यान तक नहीं रहता, खाना पीना तक छोड़ देते हैं। हमारे षड गोस्वामी को हम देखते हैं, उनके अंदर कितना वैराग्य कि किसी भौतिक वस्तु की ओर कोई आसक्ति नहीं, सब कुछ छोड़कर। स्वरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास, उनके
कि उनके वैराग्य के विषय में यदि हम सुनते हैं तो कलेजा फटने लगता है कि इतना वैराग्य, लेकिन उसको उन्हीं में आनंद आ रहा था क्योंकि वह वास्तविक रस का आस्वादन किए हुए थे। तो योगी भी यदि यहाँ पर बता रहे सुखदेव गोस्वामी कि यदि वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करना है तो क्या करना है, सबसे पहले अपनी भौतिक भोग की इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त करनी है, तब उसे ब्रह्मरंध तक पहुँचना चाहिए और भगवान के पास चले जाने पर वे सारे भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्योंकि योग सिद्धि, योग अष्टांग योग की प्रक्रिया ऐसी है कि उसमें हर क्षण एक नया नई वस्तु प्राप्त होती है, नई सिद्धि प्राप्त होती है, तो कभी ऐसा होता है कि जिस सिद्धियों के विषय में योगी जन सुनते हैं ना, उनके अंदर उनकी आसक्ति हो जाती है और कोई ना कोई हृदय के अंदर इच्छा उत्पन्न हो ही जाती है कि काश ये वाली सिद्धि मुझे प्राप्त हो जाए, ये वाली सिद्धि, उसके विषय में आज बता रहे हैं। यदि प्रयास्यन् निपपारमेष्ट्यम् वैहायसना मुतयद् विहारम् अष्टाधिपत्यम् गुणसन्निवाय सहैव गच्छेन् मनसेन्द्रियश्च। फिर से देखिए, यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ट्यम् वैहायसाना मुतयत् विहारम् अष्टाधिपत्यम् गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन् मनसेन्द्रियश्च। यदि प्रयास्यन् नृप पारमेष्ट्यम्, यदि मतलब अगर उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, प्रयास्यन् मतलब इच्छा अभी हृदय में है, हे राजा, पारमेष्ट्यम् यानी भौतिक उच्च जगत, उच्च लोकों की आनंद को प्राप्त, पारमेष्ट्यम् यानी ये जगत नहीं, जो ऊपर वाले लोक हैं, जैसे ये जो पृथ्वी लोक है उसके ऊपर है, भवलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सिद्धलोक, ये बहुत ज्यादा एडवांस लोक है। एडवांस मतलब कि वहां पर जो भौतिक आनंद की परिभाषा है वो बहुत अधिक है, जैसे यहाँ पर हम लोग सोच नहीं सकते हैं ना, जो वस्तु प्राप्त करना वो वहाँ के लोगों को बहुत ही आसानी से प्राप्त है। कैसे, जैसे हम लोग सोच नहीं सकते ना कि हम लोग इधर घर में बैठे हुए हैं और हम इच्छा करें और एक जगह पर, दूसरी जगह पर चले जाएं, अमेरिका में पहुंच जाएं, हमें वीजा चाहिए, टिकट चाहिए, उसके अलावा हम लोगों को बहुत सारा धन एकत्रित करना पड़ता है, बहुत सारी पैकिंग करनी पड़ती है और फिर बहुत ही मुश्किल के साथ हम किसी दूसरे अच्छे कंट्री में जा सकते हैं। लेकिन जो ये पारमेष्ट्य मतलब बड़े लोगों में, उच्च लोगों में क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपको कोई कन्विंस नहीं चाहिए, आपको कोई तैयारी नहीं करनी है, आपको है ना कुछ नहीं करना है, बस आप सोचो आप दूसरे लोक में चले जाओगे। और जैसे अभी हम यहाँ पर सोच नहीं सकते ना कि हम बगैर एरोप्लेन के उड़ें कैसे, उड़ना नहीं आता, हम लोग उड़ नहीं सकते, लेकिन वो लोग जो है ना वो फ्लाई उड़ सकते हैं आराम से, उनको खाने पीने की भी चिंता, हम लोगों को देखो खाने पीने की कितनी चिंता होती है, पहले मार्केट से सब्जियां लेके आते हैं और फिर उसको पकाते हैं, कुकिंग करते हैं, वो लोग को वहां पर क्या है, काम वो कल्पत्र वृक्ष है, आपकी इच्छा के अनुसार आपको फौरन से वस्तु प्राप्त हो जाती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहां पर जिंदगी बहुत ज्यादा हाई फाई। हम लोग सोचते हैं ना इस भौतिक जगत में हम लोग कितने एडवांस हो गए, इसका कुछ नहीं है, ऊपर के जो लोग हैं, इसी भौतिक जगत के ऊपर के लोगों में ना इतनी अच्छी अच्छी वस्तुएं, अब योगी जनों को पता होता है कि भाई ऐसी ऐसी सिद्धियां होती हैं, अष्ट सिद्धियां, जैसे अणिमा, अपने आप को बहुत हल्का बना देना, बहुत भारी बना देना और अपने आप को ऐसे आश्चर्यजनक वस्तुएं प्राप्त करना, बहुत अलग अलग यहाँ पर योगियों को फल प्राप्त होते हैं। तो अगर उनकी इच्छा हो जाएगी उच्च लोकों में जाकर भोग करने की, और आगे क्या है, वैहायसानाम उतयत् विहारम,
और वैहा यासान मतलब उच्च लोक के जो जीव हैं उनके निवासियों उन जीवों के साथ या उन निवासियों के साथ भोग करने की इच्छा हो कि भाई स्वर्ग में कितनी अच्छी अप्सराएं हैं, इतने सुंदर सुंदर उनके साथ भोग करना, या फिर कुछ और इस तरह की मन में इच्छा हो जाए, या फिर अष्टाधिपत्यम गुण सन्निवाय, या फिर उसको ऐसा लगे कि मुझे अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाए, जैसे हमने अभी पढ़ी अणिमा लगीमा, ये प्राप्त हो जाए गुण सन्निवाय, यानी तीनों गुणों का, ये जो तीन गुण हैं उस जगत को भोगने की इच्छा, अगर उसके अंदर किस तरह से सिद्धियां प्राप्त करके मैं बहुत भोक्ता बनकर आनंद प्राप्त करूं, अगर उसके मन में जरा सी भी इच्छा हो जाएगी ना तो क्या करना पड़ेगा, तो फिर वो भगवान को प्राप्त नहीं करेगा। क्योंकि पहले वाले श्लोक में बता दिया कि निर्भीत्य मूर्धन विसृजेत परम गता, कि जब भौतिक वस्तुओं को बिल्कुल वो छोड़ देगा तभी वो आध्यात्मिक जगत में प्राप्त करेगा। भौतिक वस्तुओं की आसक्ति समाप्त करनी पड़ेगी, लेकिन अगर थोड़ी सी भी रहेगी फिर क्या होगा, सहैव गच्छन् मनसेन्द्रियेश, तो योगी जन क्या करते हैं वो अपनी इंद्रियों के साथ भी अन्य लोकों में जा सकते हैं, लेकिन साधारण लोग के लिए ऐसा नहीं है। साधारण लोग जैसे आजकल साइंटिस्ट वगैरह बोलते हैं ना कि हम लोग मंगल पर गए, इस ग्रह पे गए, चंद्रलोक पे गए, ये संभव नहीं है। ये योग सिद्धियों के द्वारा या फिर मृत्यु के उपरांत ही संभव है। साधारण व्यक्ति अपने सहशरीर किधर भी जा नहीं सकते हैं। तो अनुवाद देखिए, तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की इच्छा बनी रहती है, जैसे कि सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक जाने की, या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की, अथवा वैहासियों के साथ ब्रह्म अंतरिक्ष में यात्रा करने की, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने की, या लाखों ग्रहों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इत्यादि, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी कहते ऊर्ध्व लोकों में अधोलोक की उपेक्षा हजारों हजार गुना अधिक भौतिक भोग की सुविधाएं होती हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता 14.18 में भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्थो मध्य तिष्ठस्ति राजसा जगणीय गुण वृत्तस्थौ अधव गच्छन्ति तामसा, कि यदि आपको भौतिक भोग में इच्छा है ना भोगने की, तो फिर सत्वगुण में कार्य करोगे तो ऊपर के लोकों में जाके आनंद करोगे, अगर ऐसे तमोगुणी कार्य करोगे तो फिर नरक में जाओगे, वहां पर कष्ट होगा। तो एक व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति को कम से कम सत्वगुणी स्टेज पर आना चाहिए, क्योंकि साफ साफ लिखा है ऊर्ध्व लोकों में अधोलोकों की उपेक्षा हजारों गुना अधिक सुख है। और यही बात को आगे बताते हुए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सर्वोच्च ग्रह मंडलों में ब्रह्मलोक, ध्रुवलोक इत्यादि हैं, और वे सब महरलोक के ऊपर हैं। इन लोकों के निवासियों को अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उन्हें योग सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, वे कर्ण के समान लघु होने की शक्ति रखते हैं अणिमा सिद्धि, या पंख के समान हल्का होने की शक्ति रखते हैं लघिमा सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें भारी से भारी होने की यानी महिमा सिद्धि, कोई आश्चर्य वस्तु उत्पन्न करने या इच्छा अनुसार किसी वस्तु को नष्ट करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की ईशित्व सिद्धि, या सारे तत्वों को वश में करने की वशित्व सिद्धि, किसी भी इच्छा के विफल न होने की शक्ति रखने की प्राकर्म्य सिद्धि, या इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने की काम वसायत सिद्धि के लिए कोई वस्तु किसी स्थान विशेष से प्राप्त करने की यानी प्राप्ति सिद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सारी सिद्धियां उच्च लोकों के निवासियों को प्राकृतिक उपहारों के रूप में मिली होती हैं। उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में विचरण करने के लिए किसी यांत्रिक सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वे पलक मारते ही
एक ग्रह से दूसरे ग्रहों में चानुसार विचरण करते हैं। पृथ्वी के निवासियों निवासी तो निकटतम ग्रह की भी यांत्रिक यान तथा अंतरिक्ष यान के बिना यात्रा नहीं कर सकते हैं। निकटतम यानी हम यहाँ पर देखो पाकिस्तान से भारत कितना करीब है, लेकिन उसके लिए भी हमको है ना एरोप्लेन में बैठना पड़ता है और विमान में बैठना पड़ता है। लेकिन उन लोगों को कोई टेंशन नहीं है, वो तो बगैर किसी ना विमान के एक लोक से दूसरे लोक में आराम से चले जाते हैं। और उनको इन सारी चीज़ों के लिए कोशिश भी नहीं करनी पड़ती है। बस वो लोग ने जो ऊपर वाले लोकों में ऊर्ध्व लोक में है ना, उन्होंने इस भौतिक जगत में इतना सत्वगुण में रहकर काम कर लिया, इतनी सकाम कार्य किए या फिर वेदों के अनुसार जो कार्य किए, शुद्ध कार्य किए ना, उनकी बदले में ये सब चीजें उनको मुफ्त में ही मिल जाती हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में ये थोड़ी सी भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए कितना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। खाली किसी को अगर है ना स्विमिंग करना सीखना होती तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि वो मछली को बगैर कोई सिखाता भी नहीं, खुद से आ जाती है ना, वो जानवर है फिर भी उसको आ जाती है। तो इसी तरह से अगर उच्च लोक में पैदा होते हैं ना, तो ये सारी सिद्धियां खुद ब खुद आ जाती हैं। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो भौतिक जगत है उसमें तो निकटतम ग्रह तक भी यांत्रिक यान तथा अंतरिक्ष यान के बिना यात्रा नहीं कर सकते, किंतु उसे उच्च लोक के प्रतिभा संपन्न निवासी सारा काम आसानी से कर लेते हैं। चूंकि भौतिकतावादी ऐसे लोकों में वास्तव में जो कुछ है इसका अनुभव प्राप्त करने के उत्सुक होता रहता है, अतएव वह हर वस्तु को स्वयं देखना चाहता है। उसे उत्सुक व्यक्ति पूरे संसार में घूम कर प्रत्यक्ष स्थानीय अनुभव प्राप्त करना चाहता है। अभी देखो हम लोगों को कोई बताए कि भाई अमेरिका में इतनी सारी सुविधाएं हैं, सिंगापुर इतना सुंदर है, महाबलेश्वर इतना अच्छा है, कश्मीर में इतना सुंदर कंट्री, किससे कोई भी अच्छी अगर बात आपको बताई जाए अच्छी कंट्री की, तो मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है ना, मुझे भी देखना चाहिए, मैं भी जाके देखूं कितना अच्छा है। तो ये स्वतः हृदय के अंदर उत्पन्न होता है। इसी यही बात यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, चूंकि भौतिकतावादी ऐसे लोकों में वास्तव में जो कुछ है उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, अतएव वे हर वस्तु को स्वयं देखना चाहते हैं। जैसे उत्सुक व्यक्ति पूरे संसार में घूमकर प्रत्येक स्थानीय अनुभव प्राप्त करना चाहता है, उसी तरह अल्पज्ञ आत्मवादी उन लोगों का कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं जिनके विषय में उसे विस्मयपूर्ण बातें सुनी होती हैं। इतनी आश्चर्य बातें सुनते हैं तो दिल करता है कि जाके देखें, लेकिन वो कौन है? अल्पज्ञ आत्मवादी जो वास्तव में परिपक्व होते हैं, उनको ये सब चीजें आकर्षित नहीं करती हैं। इसी श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, किंतु योगी अपने मन तथा इंद्रियों सहित वहां जाकर अपनी इच्छा आसानी से पूरी कर सकता है। जो छोटे छोटे अभी तक बने होते हैं, आगे बढ़ रहे हैं आत्मवादी, उनको तो ये छोटी छोटी वस्तुएं आकर्षित करती हैं, लेकिन जो पक्का योगी हो जाता है वो तो अगर जाना चाहता है तो अपनी इंद्रियों से जाकर अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। और भौतिकतावादी मस्तिष्क की मूल प्रवृत्ति भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की होती है, और यहाँ पर वर्णित सारी सिद्धियां भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की उद्योतक हैं। भगवत भक्त इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं कि मिथ्या तथा क्षण भोगुर घटना पर प्रभुत्व जताना चाहे। ये प्रभुत्व जताना कि मैं मालिक बनकर इन वस्तुओं को भोग करना चाहता हूँ, वो भौतिकतावादी चाहते हैं। भगवान के भक्तों को इन वस्तुओं की ओर कोई भी आकर्षण नहीं होता है, और क्योंकि वो अपने अस्तित्व को जानते हैं। इसी श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसके विपरीत भक्त तो परम भोक्ता भगवान द्वारा शासित होना चाहता है। वो ये चाहता है कि मैं किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करूं, मैं भगवान की दास बनकर उनकी सेवा करना चाहता हूं। तो उसकी इच्छा यही होती है कि मैं किस तरह से भगवान के द्वारा शासित हूं। भगवान या परम अधिष्ठाता की सेवा करने की इच्छा आध्यात्मिक या दिव्य है, और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने के लिए
मनुष्य को मन तथा इंद्रियों की यह शुद्धि प्राप्त करनी होती है। फिर हृदय शुद्ध होगा भौतिक वस्तुओं की आसक्ति से और इंद्रियां शुद्ध होंगी भगवान की सेवा से, तो फिर वो सब जो आसक्तियां हैं वो सीधे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। भौतिकतावादी मन से मनुष्य ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक में पहुंच सकता है, लेकिन भगवत धाम में कोई भी प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकता। यहाँ पर बहुत ही मुख्य बात यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भौतिकतावादी मन लेकर मनुष्य किसी भी लोक में पहुंच सकता है, सर्वोच्च लोक, ब्रह्म लोक में पहुंच सकता है, नहर लोक में पहुंच सकता है, ध्रुव लोक में पहुंच सकता है ये, लेकिन इन्हीं भौतिक लोकों में ही घूमता रहेगा, वो भगवत धाम में कभी भी नहीं पहुंच सकता है। इंद्रिय तृप्ति में रत ना रहने पर इंद्रियां आध्यात्मिक रीति से शुद्ध कहलाती हैं। जब तक इंद्रिय भोग की इच्छा होती है ना, तब तक इंद्रियां मलिन होती हैं, अपवित्र होती हैं। शुद्ध तब होती है जब इंद्रियों को ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तम। वास्तव में क्या है, इन इंद्रियों के द्वारा जब भगवान की सेवा की जाती है तब इंद्रियां पवित्र होती हैं। इंद्रियां कार्यरत रहना चाहती हैं और जब वे ही इंद्रियां भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहती हैं तो वे भौतिक दूषणों से कुलुषित नहीं हो पाती हैं। उन इंद्रियों को यदि भौतिक अपराधों से दूषण से मुक्त करना है तो केवल क्या करना है, सवै मन कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्तने करोर हरेर मंदिरमा चनादिशु। हाथों से भगवान के मंदिर को मार्जन करना है, मन में भगवान का स्मरण करना है, नेत्रों से भगवान के दर्शन करने हैं और स्पर्श इंद्रिय से भगवान के भक्तों के चरणों को स्पर्श करना है। इस तरह से जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगी और शुद्ध हृदय और शुद्ध इंद्रियां जो है वो भगवान की प्रेममय भक्ति करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो योगी जन के लिए ये बहुत कठिन है, लेकिन भक्तों के लिए बहुत सरल है, क्योंकि वो स्वभावतः कृष्ण से प्रेम करते हैं और जब कृष्ण से प्रेम करने लगते हैं, कृष्ण की सेवा करने लगते हैं, तो फिर भौतिक वासनाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं और उनका मन पूरी तरीके से कृष्ण में आकर्षित हो जाता है और अंत समय में वो इस प्रकार से प्राण त्यागते हैं तो वो कृष्ण लोक को प्राप्त करते हैं। इसके आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो यहाँ पर जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा सहैव गच्छन् मनसेन्द्रियेषु कि उस वो अपनी इंद्रियों और मन को लेकर दूसरे लोक में चला जाता है, क्योंकि योगी होता है तो मानो परीक्षित महाराज पूछे कि वो अपनी इंद्रियों के साथ कैसे आगे जा सकता है, बाकी तो सब लोग है ना सूक्ष्म शरीर से जाते हैं ना, मतलब ये भौतिक शरीर तो इस भौतिक जगत में ही छोड़ के जाना होता है, तो योगी जन ऐसे कैसे कर सकते हैं, उसके विषय में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं योगेश्वराणाम गतिमाहुरंतर बहिस्त्रिलोक्या पवनांतरात्मना न कर्मभिस्ताम् गतिमाप्नुवन्ति विद्यातपोयो गसमाधिभाजाम् योगेश्वराणाम् गतिमाहुरंतर बहिस्त्रिलोक्या पवनांतरात्मना न कर्मभिस्ताम् गतिमाप्नुवन्ति विद्यातपोयोगसमाधिभाजा योगेश्वराणाम् गतिम् आहुरन्त अंतर्बहिर, यानी कि योगेश्वर जो होते हैं, जो महान संत होते हैं, महान योगी होते हैं, गतिम आहुर बहिर अंतर यानी अंदर और बाहर, यानी कि त्रिलोक है, यानी जो तीन लोक हैं, ऊपर के लोक, बीच के लोक और नीचे, यानी कि ऊर्ध्व मध्य और अधोलोक जितने भी हैं,
उसके अंदर और बाहर बिल्कुल मुक्त रूप से विचरण कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत महान योगी होते हैं ना, योगेश्वराणाम गतिम आहुर अंतर बहिस्त्रीलोक्या, और पवन अंतरात्मना, और वायु के भीतर जन के बीच में जो खला है उसमें भी वो आसानी से विचरण कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। लेकिन न कर्म भिस्ताम गतिमाप्नुवन्ति, जो कर्म भिस्ताम यानी सकाम कर्मी लोग होते हैं जिन्होंने योग साधना नहीं की होती है, वो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। विद्यातपो योग समाधि भाषा, जो योगी होते हैं वो किस तरह से प्राप्त करते हैं, विद्या यानी भक्ति के द्वारा, तप यानी तपस्या के द्वारा, योग यानी योग शक्ति के द्वारा, और समाधि यानी ज्ञान। ये सब उनके अंदर क्वालिटीज होती हैं, वो भगवान के भक्त होते हैं, तपस्या करते हैं, योग शक्ति करते का अभ्यास करते हैं, जिसके द्वारा उनके अंदर ये गुण आ जाता है कि वो जितने भी तीन लोक हैं उनके अंदर और बाहर विचरण कर सकते हैं बहुत ही स्वतंत्रता के साथ, उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। अनुवाद देखिए, आध्यात्मिकवादियों का संबंध अधिक आध्यात्मिक शरीर से होता है, फलस्वरूप अपनी भक्ति तपस्या योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध्य रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी यानी पट भौतिकतावादी इस तरह मुक्त रूप से कभी भी विचरण नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद देखिए, श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भौतिकतावादी विज्ञानियों द्वारा यांत्रिक यानों की सहायता से अन्य ग्रहों तक पहुंचने के सारे प्रयास केवल निरर्थक हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया सुखदेव गोस्वामी ने कि न कर्म भिस्ताम गतिमाप्नुवन्ति, जो सकाम कर्मी हैं, जो भौतिकतावादी हैं, जिनके अंदर तपस्या नहीं है, भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, भगवान के अंदर श्रद्धा नहीं है, शास्त्रों को नहीं मानते, वो कभी भी अन्य ग्रहों तक नहीं पहुंच सकते। तो आज अगर साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम सह शरीर दूसरे किसी लोक में गए हैं और वहां पर झंडा घार के लेके आते हैं कुछ पत्थर, तो वो कहीं रेगिस्तान में चले गए होंगे, बाकी किसी को पता ही नहीं है वो चंद्रमा के पत्थर हैं या किसी और लोक के। तो ये यहाँ श्री प्रभुपाद जी साफ साफ बता रहे हैं कि भौतिकतावादी विज्ञानियों द्वारा यांत्रिक यानों की सहायता से अन्य ग्रहों तक पहुंचने के सारे प्रयास केवल निरर्थक हैं, तथापि पुण्य कर्मों द्वारा मनुष्य स्वर्ग लोक पहुंच सकता है। फिर भी अगर जीव पुण्य कर्म करता है तो सो स्वर्ग जा सकता है, किंतु ऐसे यांत्रिक या भौतिकतावादी कार्यों द्वारा, चाहे वे स्थूल हों या सूक्ष्म, मनुष्य स्वर्ग या जनलोक से आगे नहीं जा सकता। फिर पुण्य कर्मों के द्वारा स्वर्ग लोक से आगे या जनलोक से आगे नहीं जा सकते। जो आध्यात्मिकवादियों को स्थूल भौतिक शरीर से कुछ लेना देना नहीं रहता है, वे भौतिक जगत के भीतर या बाहर कहीं भी विचरण कर सकते हैं। बिल्कुल योगेश्वराणाम, जिनको भौतिक जगत के अंदर कोई आसक्ति नहीं होती है, उनको भगवान ऐसी सुविधा प्रदान कर सकते हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। भौतिक जगत के भीतर वे महर लोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक में और भौतिक जगत के परे वैकुंठ लोक में भी बिना किसी रोक टोक के अंतरिक्ष यात्री के रूप में विचरण कर सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर उदाहरण बताया सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं नारद मुनि ऐसे ही अंतरिक्ष यात्री का एक उदाहरण। अभी नारद मुनि सहशरीर किधर जा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, और दुर्वासा मुनि, ये नारद मुनि ऐसे ही एक उदाहरण है, और दुर्वासा मुनि क्या है, योगेश्वरों में से एक है, वो भी किधर भी जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भक्ति तपस्या योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर नारद मुनि या दुर्वासा मुनि की भांति विचरण कर सकता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये जो है ना कृपा खाली उन दोनों को ही प्राप्त हुई है। लेकिन हमारे अंदर हम देखें कितनी मात्रा भक्ति की है, कितनी तपस्या कर रहे हैं, कितना योग शक्ति, कितना हम अटल हैं अपनी साधना के ऊपर। तो जितना जितना हम सिंसियरली और सीरियसली करेंगे,
तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी नारद मुनि बन सकता है, कोई भी दुर्वासा मुनि बन सकता है, उनकी तरह वो नहीं बन सकते तो भी उनकी तरह कोई भी बन सकता है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्वासा मुनि ने केवल एक वर्ष में ही संपूर्ण भौतिक आकाश तथा परव्योम के कुछ भाग की यात्रा की थी। स्थूल या सूक्ष्म भौतिकतावादी व्यक्ति योगियों की गति को कभी नहीं पा सकते हैं। तो ये तो दुर्वासा मुनि थे, एक साल में सारे भौतिक जितने भी ब्रह्मांड थे उनको भी ना उनकी यात्रा की, परव्योम के कुछ भाग थे उनको भी उनकी भी यात्रा की। तो ये बहुत ही महान योगी हैं दुर्वासा मुनि, उन्होंने ऐसा कर लिया था। लेकिन यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने साफ साफ बताया हम जैसे भौतिकतावादी ये सारे कार्य नहीं कर सकते, और इस भौतिक जगत में अगर हम वास्तव में उच्च लोक में जाना चाहते हैं तो पुण्य कर्म करके जा सकते हैं, और यदि भगवान के लोक को जाना चाहते हैं तो केवल एक ही तरीका है। भगवान कहते हैं यान्ति मद्या जीनो पिमाम, मेरे धाम में आना है तो केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति करो। और भक्ति बहुत सरल है इस कलयुग में, भगवान के विषय में श्रवण, आज आप श्रवण कर रहे हो ना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। ये श्रीमद् भागवतम जो है उसका एक एक शब्द जो है वो इतना पवित्र है कि ये एक शब्द भी यदि कोई पढ़ लेता है, एक श्लोक भी यदि हम आधा श्लोक भी पढ़ते हैं ना, तो समझो ये इतना हमें पवित्र कर रहा होता है। हमें नहीं पता ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये भगवान की वांग्मयी शब्द रूपी भगवान है ये। और जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इनको श्रवण करते हैं, तो उसी समय हमारे हृदय में भगवान आकर कैद हो जाते हैं। एक जीव के लिए इससे बड़ी और क्या बात होती है, हो सकती है। तो हमें भागवतम की एक, ऐसा नहीं है कि हम बोले कि भाई हमने तो भागवतम का खाली एक ही श्लोक पढ़ा है, एक श्लोक संपूर्ण भागवतम जितना महत्व रखता है। अगर एक श्लोक को भी हम अच्छे से समझ रहे हैं और उसको पढ़कर हमारे हृदय में थोड़ा भी कृष्ण के लिए प्रेम इंक्रीज हो रहा है तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। लोग तो करोड़ों करोड़ जन्मों तक कुछ भी कर लें, भगवान के लिए जो दिव्य प्रेम है ना, वो केवल भागवतम श्रवण करने से ही प्राप्त होता है। इसलिए हमें हृदय के अंदर उत्सुकता रखनी चाहिए कि हमें ये न कि न प्रकार किसी शुद्ध भक्त के द्वारा भागवतम श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो। और अगर हम जिससे सुन रहे हैं वो कोई शुद्ध भक्त नहीं है और भगवान ने उसे ही सुना है हमें सुनाने के लिए, तो मुझ जैसे पतित के लिए हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि थोड़ी सी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो भगवान की, ताकि सुनकर आप लोगों का कल्याण हो सके। आप सबका बहुत बहुत आभार जो आप इतने प्रेम से श्रवण करते हो। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।